हमें तो थाल दी दिन दी हटो बेटा उठो उठो अंदर लेकर की कौन दंदा चली बजा चली यहाँ पे है राजा भैया, ये हूँ गाइस मैं आपका अपना बीवी के। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। और कैसे हो आप सब लोग, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और राजा आप लोग एक बात बताएगा, लेकिन आज सुबह हाँ जी मिनियंस रुक जाओ, ये यहाँ पे बता रहा है जो मेरे चार्जर का कवर है, ये मिनियंस वाला है, ठीक है। हाँ जी वो ना इनकी फनी फनी वीडियो आ रखी है, फनी फनी कहाँ पे आ रखी है, पूरी में आ गई ना नेटफ्लिक्स पे, किड्स के सेक्शन में सारी मूवी डाल दी मिनियंस की। राजा पूरी फनी, पूरी फनी आ गई क्या? लावा में गिर गया। सो गाइस अभी आके बता रहा हूँ कि पूरी ना प्राइम पे पूरी फनी फनी वीडियो आ गई, पूरी हंसी वाली, पूरी फनी फनी। आज हम लोग दिखाएंगे कि दीदी की शादी में कैसी मेमोरीज थी और दीदी की शादी में हम लोग कैसे देखते थे, वो दिखाऊंगा। राजा का बताइए, देखो मैं तो इतना बड़ा था ना, इसके सोने का स्टाइल देख लो भाई, रियो का आप कहते हो ना, ये हमारा रखवाला है, बंदूक अपने पास रख के सोता है, कभी भी हमला करना पड़ सकता है। जब कोई घुसेगा अंदर तू गोली चला देगा, ठीक है इसे अपने पास रखना, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा है तू, पता नहीं कर रहा है क्या, लेकिन मेहनत बहुत करता है तू। ये क्या है लेकिन, एक हाथ में दो कपड़े पकड़ रखे, दो ने रेड शीट। दुर्गा माँ हूँ मैं, मेरे कई हाथ है, माँ को नहीं कहा गया आठ हाथ वाली, कुछ भी कर सकते। माँ कहाँ है, वे हमें बोल के गई कि मैं कुछ खाने को ला रही, कुछ हेल्दी। मैं पूछता हूँ उससे, क्या क्या गई थी आप लोगों को? हमें तो थाल दी दिन दी। आपको कुछ हल्दी देंगी? जैसे कि थोड़े फ्रूट, इसे नो भी बता फ्रूट और हल्दी, जैसे थी तो ही फ्रूट। माँ आपने बच्चों को ये बोला था कि आप कुछ हल्दी दोगी, जैसे कि कोई फ्रूट, जैसे कि फ्रूट। अभी मैं रुड़की आता हूँ, हमारे यहाँ पे एक टिक्की मिलती है, वो भी देसी घी की, और भाई वो सच बताऊँ आप लोगों को इतनी गजब लगती है ना, कि मतलब आके एक बार तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसे खा लूँ, क्योंकि फिर जाने के बाद यहाँ से फिर उसको बहुत मिस करता हूँ मैं। तो अभी हम सीधा वहीं पर आ रहे हैं और दिखाते हैं आप लोगों को, मतलब पानी आ गया यार मुँह में, पानी आ गया सोच के, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आज होने का नहीं वो, यहाँ अनमोल वचन निकल गया भाई के मुँह से, तो आज होना तो यही चाहिए था, वो यहाँ कटाओ तो यहाँ 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 मिलना था चाहिए था, वो पेट्रोल पंप के पास शिफ्ट हो गए। लोगों को बता नहीं सकता ये इतनी टेस्टी लगती है, होय 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 पानी आ गया मुँह में सोच के। तो ये देसी घी में बनाते हैं इनको, एक अच्छी बात ये कि सामने जो लिखा हुआ है। भाई कितने नंबर दोगे टिक्की दा भाटिया दा टिक्की इसको? तो पहले से 100 ऑफ 100 ऑफ 100 ऑफ 100। थ्री प्लस थ्री सिक्स दे दोगे? अभी ये सब क्या है, टाइमर वाला खेल क्या है जो टाइमर चला रखा है? अरे यार माँ कहती रहती है कि 3 मिनट तक भगा ले, 3 मिनट तक मैं तंग आ गया, मुझे पता नहीं क्योंकि आइडिया नहीं लगता आपको। मैंने टाइमर तो फिलहाल जो है यू भी चाय बना रहा है माँ और दीदी के लिए, 3 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट के लिए बोला था मैंने अप्रोक्सीमेटली। बाबू गर्म हाथ मत चला लेना है ना, गुड बॉय, अच्छी बात है, ध्यान रखना चाहिए। मैंने एक दिन एक वीडियो शूट करी थी आप लोगों को, पैकेट फूड के बारे में थोड़ा सा बता रहा था। अगर आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो एक इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई का, उसकी प्रोफाइल नीचे मेंशन कर देना, उसे जाके फॉलो कर लो, बहुत सारा ज्ञान आप लोगों को मिल जाएगा। चाचा जी के बच्चों की एक की उम्र मेरे ख्याल से 9 साल होगी और एक की 5 साल और 9 साल, 5 और 10 साल के आसपास है, इतने इतने से बच्चे हैं दोनों। और वो अपने पापा को बोल रहे कि पापा ये हमारे घर में जो पैकेट रखे हैं प्लीज़ इन पे पीछे पढ़ के बताओ कि ये खा सकते हैं हम या नहीं खा सकते। तो चाचू ने हमारे पूछा कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग आज सुबह से, कि चिप्स भी उठा रहे हो, मैगी भी उठा रहे हो और ये सब चीज़ें भी उठा रहे हो? कहते नहीं वो विवेक भैया ने कहा है ना, उनकी वीडियो देखी है हमने तो उन्होंने बोला था वीडियो में। तो मुझे अच्छा लगा कि जब हमारी फैमिली इन्फ्लुएंस हो रही है तो आप सब लोग भी अपने बच्चों को दूर रखो यार पैकेट फूड से, तो स्पेशली। ये देख लो गाइस यहाँ पापा के साथ पूरी मस्ती के मूड में है पिछले कुछ देर से। अरे अभी देखते मम्मी आप अभी देखते इसकी मस्ती, ये देखो ये देखो ये देखो, अब मुंह ढूंढेगा पापा का कि मुंह देखो कि मुंह कहाँ गया पापा का, मुंह कहाँ, देखो 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 कि यहाँ तक देखो बेटी थक जाएगी तू, तेरा मौज इतना नहीं है रही हो। आ जा कोई नहीं कोई नहीं, चल चल कर लेंदे उन्हें, कर लेंदे कोई बात नहीं उन्हें, कर लेंदे कोई बात नहीं, रहने रहने बेटे बेटे रहने, देख 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 बदतमीज़ तू भी बहुत कर रही हो, कम चल चल तो
राजा ये दूसरा से सेम राजा की तरह हरकत है सारी। गाइस अभी ऑडियो को थोड़ा सा मैनेज कर लेना बिकॉज हम लोग कैमरे की ऑडियो से शूट कर रहे हैं, तो हम लोग बाहर हम लोग एक वीडियो शूट करनी थी अर्जेंट, उसको शूट करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि एरिया का बहुत बड़ा सीन है भाई। अच्छा सा एरिया चाहिए था, तो ट्राई करते हैं कि अच्छी जगह मिल जाए कहीं। तेरी रू जा तू मुझे 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 मंकी फनी वाला है वो फनी है मन मिनियंस। चलो मैं मारो को देखता हूँ क्या कर रही है। भाई साहब क्या चल रहा है? भाई साहब दूध चल रहा है, दूध बनना है, दूध चल रहा है, दूध बनना है, शक्कर वाला दूध, शक्कर वाला तेरा बोर्नविटा नहीं डाला आज? नो बोर्नविटा, मेरे तो आज बर्तन चल रहे हैं। क्यों आज आपके बर्तन कैसे चल रहे हैं? आज सपना नहीं आई ना, कल आएंगी वो? पता नहीं उसको बुखार है, कल पूछूंगी। ठीक है, सो गया था, ऐसे सो गया दीवार पे रख के। और इसने चीटिंग की। क्या चीटिंग? इसने अपने सारे टॉयज अकेले नहीं उठाए। यूवी का एग्जाम है ट्यूसडे, तो यूवी कल से करेगा तैयारियां शुरू अपनी। कल से तैयारी शुरू है आपकी? आज ये सुबह से देख रहा है। देखिए मैम को बता दो, सुबह से मिनियन नहीं देते राजा को। अभी स्कूलिंग कराएंगे राजा की हम लोग स्टार्ट, तो हम लोग सोच रहे थे पहले प्ले से करा लेते, फिर मैंने सोचा नर्सरी में डालते हैं उसको सीधा, जिसमें सिर्फ स्टडी होती है, प्ले नहीं होता, गेम नहीं होते इसमें। नहीं नहीं दोनों वाले दोनों। तो प्ले स्कूल में जाओगे पहले? हाँ, ये ए फॉर अप्पल, बी फॉर अप्पल होता है, बी फॉर बॉल, सी फॉर टैट। ठीक है, इतना बहुत है वो प्ले वालों के लिए। ऐसा आता है ABCD 1 2 वगैरह। बच्चा जैसे इसके कंधे पे बैग आ जाएगा, फिर पता नहीं कब जब तक लाइफ चलेगी फिर बैग रखा रहता है कंधे पे आदमी। मुझे था कि थोड़े दिन और मजे ले लेता है, लेकिन इस बार का एडमिशन करा देंगे। और बहुत सारी चीजें फंसी हुई है भाई, एंडेवर से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी, वो भी करनी है आप लोगों के लिए। कल के व्लॉग मैंने सोचा तो बता देता हूँ, लेकिन मुझे लगा इनकी हरकतों को एक बार और नोटिस करता हूँ, अगर ये हरकतें ठीक करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जाके इनकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। फिर आप लोगों का साथ चाहिए बहुत सारा इस चीज़ के लिए भी। बाकी मैंने आप लोगों को बोला था एल्बम निकालने वाले, एल्बम निकलने वाली है फिलहाल, और फिर उस पर डिस्कशन करते हैं बहुत सारा। कुछ फोटोज़ दिखाऊंगा अभी, अगर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार इस व्लॉग को दिया, बहुत सारा शेयर करा, तो फिर इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे। इसलिए कहता हूँ एल्बम वेल्बम ना बना करो, क्योंकि एक समय के बाद ये फिर पैक हो जाती है। राजा मिल नहीं रहा है, कोई नहीं है यहाँ तो मैं। हटो एक बार, हटो, ये मेरा टेडी बियर है, देखता हूँ। टाडी टाडी पहले मैं बताओ यार क्या एल्बम नहीं मिली यार भाई, इसलिए मैंने अपनी एल्बम मैंने इसलिए अपनी एल्बम नहीं बनवाई, इसलिए तो नहीं बनवाई मैंने अपनी एल्बम, इसलिए नहीं बनवाई मैं दीदी को पता ना, दीदी एल्बम नहीं मिल रही इसलिए तो नहीं बनवाई मैंने। मिली नहीं यार कहीं भी, एल्बम खो गई भाई, एल्बम खो गई भाई, हमारे भाई की नहीं बनी तो अभी खो गई। हाँ जी, एक और रखी माने जो हमारे यहाँ की है ना, वो तो तेरे जीजा जी के घर की, जो हमारे यहाँ की वो तो माँ पहले खो चुकी, वो भी खो दी मम्मी ने आपकी बार बार। चलो माँ कॉन्ग्रेचुलेशन, और अब हम सब बराबर हो गए, सब बराबर, अब हम सब बराबर। मेरे खो गए थे सारे मेरे ब्याह के फोटो, माँ की शादी की भी फोटोज खो गई थी सारी, और मेरे मेरी शादी की अब तक आई नहीं, और दीदी की भी हम लोगों ने दोनों खो दी। तो गाइस बधाई हो, अगर मिल गई तो शूट कर लूंगा, नहीं मिली तो बस बैठे रहेंगे। इसमें लग रहा है मुझे चांसेस, पता नहीं क्यों। अरे नहीं इसमें तो नहीं घूम रहा है जिंदाबाद मुर्दाबाद, कौन है जिंदाबाद मुर्दाबाद, आप सर्चिंग पे लगे रहना, लेकिन मिल जाएगी तो देखना। सो गाइस नहीं मिली आप लोगों के सामने, सर्च कर लिया लेकिन नहीं मिली, सारे बैड्स वगैरह ढूंढ लिए, और पता नहीं अभी एक दो महीने पहले हम लोगों ने उसको देखा था, एक तो नहीं खैर दो महीने की बात हो गई, लेकिन नहीं मिल रही। अभी देखते हैं सर्च करते हैं, मिल गई तो वेल एंड गुड है, नहीं मिली तो गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। मिल गई एल्बम, मिल गई। कहाँ से मिली? उस वाले मम्मा के बेड के नीचे। वाओ वाओ, ये है एल्बम, मतलब ये जीजोरों की तरफ वाली एल्बम है। हाँ जी भाई, हाँ जी, यस आप ये। सो गाइस अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को दीदी की शादी के टाइम की फोटो, और दीदी तो फिर भी ठीक लग रही है टचवुड, और जीजू को देखना आवाज ही आएगी आपको। सो गाइस ये है उस टाइम के फोटोज दीदी की, 13 साल हो गए दीदी, ऐसा लगता है कल की बात है यार। नहीं लगेगा जब तू अपनी फोटो देखेगा। सही बात है, तुझे कल की बात है। सीधा मैं लेके चलता हूँ हमारी फोटोज में पकड़ना, आप लोगों को अब दिल थाम के बैठना पड़ेगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको हम लोगों की फोटोज। यहाँ पे है राजा भैया, आप लोग देख सकते हो राजा भैया जीजू के साथ बैठे हैं, दीदी है साथ में, और ये हमारे चाचू लगते हैं, और यहाँ पे मामा एंड फैमिली है, मामी जी मामा जी और आदि जिसको आप अभी व्लॉग में देखते हो आर्य को, तो वो ऐसा दिखता था उस टाइम पे। और ये है गुड्डा, यार अभी गुड्डे का एक बच्चा है, बताओ यार बन्नू,
अभी जाऊंगा मैं 2-4 दिन में बन्नू से मिलाऊंगा, तो ध्यान रखना ये है गुड्डा, तो जब बताऊंगा तो रेफरेंस आपको मिल जाएगा। और गुड्डा उस टाइम बॉयकट रखा करती थी और देखो कैसी लगती थी, बन्नू लग रही है छोटी। और यस ये हूँ गाइस मैं, आपका अपना वीवीके। यस और ये मैं उस टाइम पे दिखा करता था, मतलब ये हूँ मैं यहाँ पे। और ये देख लो, ये देख लो, ये हूँ मैं और ये हूँ मैं। अरे ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो ना, ये देखो, ये मेरा बच्चा है, देखो ना, मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। तुझे यहाँ पे कैसे पकड़ के बैठे? दीदी उस टाइम भी दीदी मुझे छोड़ नहीं रही थी, ये देख लो हाथ पे लपेटा देके सांप की तरह। हम लोग बैठे हुए हैं, राजा भैया भी साथ में है और मैं भी हूँ। और ये कौन है इसको पहचान लो तो मान लो, कमेंट सेक्शन में कमेंट के लिए छोड़ देता हूँ उसकी जगह। इसको आपने व्लॉग में हमारे बहुत बार देखा है, अगर आपने इसको गैस कर लिया तो विनर। यूवी कैसे हो जाएगी, यूवी को तो मॉम डैड की शादी है। ये तो स्टिला से ही लग रहा क्या, मेरी फोटो भी दिखा। ठीक है चलो अब हम चलते हैं। पापा गियर मेरी दिखा। स्टेज पर बैठ के कंटिन्यू बोल रही थी, किसी को कुछ बता रही है, यूं कर दे वो कर दे यूं कर दे। और ये मैं पूरा एक पूरा आपको वाक्य शेयर करूंगा, उस टाइम पे हमारे कपड़े ऐसे क्यों दिख रहे हैं उसका रीजन बताऊंगा बहुत बड़ा। कैमरा ये है माँ और यहाँ पे दीदी जीजू और पापा साथ में। सो पहले मैं बताता हूँ क्या सीन हो गया था। इस दिन बारिश हो गई थी तो जो भी मैरिज हॉल था वो था खुला हुआ, जहाँ पे हम लोग पहले शादी करने वाले थे दीदी की, तो वो खुला हुआ था। लास्ट मोमेंट पे सारा सामान वहाँ से हटाया गया और फिर उसको लेके गया बंद जो जगह थी जहाँ पे नया एक वो बना था ना। 14 फरवरी की शादी थी, 14 फरवरी को बारिश हुई थी लास्ट टाइम, मतलब जब दीदी की शादी 13 साल पहले वैलेंटाइन डे वाले दिन। तो आप लोगों को मैं क्या बताऊँगा, इस मुझे ऐसा हो गया था, मतलब मुझे क्या सब लोगों को, और मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, आप लोगों ने फोटो में देख लिया होगा, इतने होपलेस हो गए थे बिकॉज सारा सामान उधर से उठा हम लोगों को बंद जो था मैरिज हॉल वहां पे शिफ्ट करना पड़ा। और उस टाइम पे आज से 13-14-15 साल पहले ऐसा वो भी ट्रेंड नहीं था कि बंद होते हैं वो सब, ऐसे हो जाया करती थी शादियां, लेकिन बहुत प्यारी जगह थी जहां पहले प्लान करे थे, लेकिन बहुत दुख हुआ था यार हम लोगों को, है ना, आज तक दुख है उस चीज का, सारी चीजें चेयर वगैरह। और ये है मेरी एक प्रॉपर फोटो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिसमें मैं सही दिखाई दूंगा आप लोगों को। ये शादी मेरी थी तेरी, क्यों इतने फोटो क्यों है तेरे? एक और फोटो मिल गया उस बंदे का और एक लड़की है, इन दोनों को गैस कर ले तो विनर बन जाओगे आप लोग। ये मैं बहुत बहुत बुरा लगता है मुझे फोटो, राजा भैया साथ में खड़े हम दोनों, और यहाँ पे देखो मैं कितना सीरियस हूँ, मेरी बहन को ब्याह के ले जाने वाला है लड़का, इसलिए ये वाला फोटो मुझे माँ का सबसे सुंदर लगता है जो आप अभी देख रहे हो, मतलब इसमें तो माँ मुझे इतनी सुंदर लगती है। देखो लास्ट मोमेंट जिसकी वेट थी, मुझे बहुत रोए थे गाइज, हम लोग बुरी हालत हो गई थी हम लोगों की रो रो के। हमारी दादी माँ है, अम्मा जी हमारी, ये दादी दादी, अब तो उनके बॉय कटिंग हो रही है ना, अब इनकी बॉय कटिंग हो रही है, हमारे ब्लॉग्स में देखा होगा आपने तो अभी। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर हमारी एल्बम मतलब आप लोगों को पार्ट पसंद आया तो हमारी एल्बम भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। बाय बाय, आप बोल दो सबको लाइक करना, तो सब्सक्राइब आज हम मिलते हैं पारी वीडियो में, वो भी सुबह। बाय 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 बाय।